मंथरा के पास बहुत बुद्धि है फंसाने का। बोल रही है कि अगर कुछ कहे कि जो मांगोगी वो दूंगा, फिर भी कुछ मत बोलूंगा। नाटक करने में मंथरा बहुत आगे है। ये सब सीखना हो तो मंथरा से कोई सीखे। कह रही है कुछ मत बोलना। जब वो कहेंगे मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ तुम जो मांगोगी देंगे, तब ये वरदान मांगना। क्योंकि दशरथ का बहुत प्रेम है राम से। सुनो समय हो रहा है, मैं जा रही हूँ, अब तुम अंदर जाओ, कुंभ भवन में जाओ। मंथरा ने कैकेयी के बुद्धि में विकृति पैदा कर दिया। पूरी अयोध्या में खुशियां छाई हैं। कल राम को राज मिलेगा। आज शाम का समय है। साँझ समय सा नंदरिपो गई पहली बार सानंद समय आया है। आनंद आया, परमानंद आया, ब्रह्मानंद आया, बहुत आनंद आया। बोले जय श्री राम। लेकिन सानंद समय, सानंद समय पहली बार आया है, क्योंकि दशरथ जी ने राम को गद्दी पर बैठने का समाचार मन में सोचा। पहले कैकेयी को बताऊंगा, कौशल्या जी को तो सूचना मिल ही गई है, लेकिन दशरथ जी अपने मुखारविंद से कैकेयी को ये समाचार सबसे पहले देने जा रहे हैं। इसलिए सानंद शब्द का प्रयोग किया और जैसे ही भवन में प्रवेश किया मंथरा खड़ी थी। देवी मंथरी, रानी कहाँ है? महाराज रानी तो कुंभ भवन में है। कुंभ भवन में? लेकिन क्यों? अब मैं कैसे बता सकती हूँ? वो तो वही जानेंगी, मैं तो दासी हूं और मेरा तो कोई अधिकार नहीं है। राजघराने के अंदरूनी मामले में बोलना हमको नहीं मालूम। को पवन सुनी सक चिराओ भय बस आ अगौ पर रह पाऊ। को भवन में सुनकर राजा को बड़ा भय हो गया कि आगे पैर नहीं पड़ रहे। मंथरा भी वहां से चली गई। राजा ने जाकर के देखा जैसे कोई नागिन बैठी हो। नागिन
पास में जाकर के राजा ने पूछा, देवी क्या बात है, उदास क्यों है आप? राजा ने हाथ को छू करके पूछना चाहा तो झटक दिया। अरे हुआ क्या, आखिर कुछ बोलो तो सही। कहिए तो रानी रे सारी पर सत पानी पति निवार मन हो सरो से हो गंग बानी रे भगवती ने हार करती है, हाथ को छूने नहीं देती। आखिर बाप है क्या? तुम मुझे बताओ, किससे अपराध किया है, किसने अपराध किया है तुम्हारा, किसने अपमान किया है तुम्हारा? बोलो, किसको राजा बनाना है, किसको रंक बनाना है, किसको दंडित करना है और किसको पुरस्कृत करना है? तुम एक बार बताओ तो सही दीपी। जो तुम कहोगे वो कार्य हम अवश्य करेंगे। आपको किसने कष्ट पहुंचाया है? कपट को छोड़ दो और हमें बताओ। प्रिया प्राण सुत सर्वस मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे। प्रिया उस सौगंध खाने को मैं तैयार हूँ। वैसे तो मुझे चारों पुत्र प्राणों से ज्यादा प्रिय हैं दीदी, लेकिन राम तो मेरा सर्वाधिक प्रिय है। ओहो समझ गया। राम को गद्दी मिलनी है ना? अरे मैं तो तुम्हें समाचार ही सुनाने आया था। और ऐसे अवसर पर रानियां रूठ जाती है। स्त्रियों का स्वभाव होता है, यदि मन की कुछ कामना हो तो मांगने के लिए भी ऐसा करती है। बिना संकोच के तुम कहो, जो मांगोगी वो देंगे
हम बताओ देवी, प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है मेरे राम। जो कछ कहो कपट कर तो सौगंध खा कर कहता हूँ कि जो मांगोगी देवी वो हम देंगे, जो कहोगी वो हम करेंगे, तुम बोलो तो सही। राम की सौगंध जब खाई तब कैकेयी माता बदल गई। देहु 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 कहते 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 रहते हो, कभी कुछ दिया भी है? दूंगा 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 कभी कुछ दिया भी है? राम को आप कल राजगद्दी, अरे दीदी मैं तुम्हें बताना भूल गया, इसलिए मैं तुमको बताने ही आया। बोली कि मैं तो सुनते हूँ कि 15 दिन से बात चल रही है राम को राजगद्दी देने की। तो बोले तुमसे किसने गलत कहा? आज सुबह ही तो विचार मन में आया और गुरु जी ने स्वीकृति दे दी, और सबसे पहले राजभवन में ये समाचार तुमको ही सुनाने आया था। तुम जल्दी वस्त्र और आभूषण पहना, पहले श्रृंगार करके आओ। ये बेश तुम्हारा हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो कहके तुरंत उठ करके गई, परिधान पहन करके आई। मांगो मांगो पे कहो प्रिय कबहु न देहु न रे, क्या मांगू? मेरे दो वरदान पहले से आपने सुरक्षित रखा है, उन दो वरदानों को भी मिलने में मांगने में मुझे संदेह लगते हैं, और आप कह रहे हैं कि मांगो। हाँ देवी मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ तुम्हारे दो वरदान मेरे पास सुरक्षित हैं, और आज नहीं
बरसों से सुरक्षित, जरूर हम तुम्हें देंगे, हमको क्यों दोष देती हो? आपने हमसे कभी कहा ही नहीं। छोटे हम मांगा ही नहीं, और आपको तो मालूम है देवी, ये रघुवंश का नियम है कि प्यार चले जाए पर वचन नहीं रह सकता, क्योंकि वही सुकृत सत्कर्म सबसे सुहावना लगता है कि जिसके मूल में सत्य होता है। बोलो जय श्री राम। क्योंकि असत्य से बढ़ करके पातक दूसरा नहीं होता। हम लोग जरूर गंगा स्नान करें, एक बार नहीं बार बार गंगा स्नान करें, लेकिन गंगा स्नान करना भी हमारा सफल तभी है कि ज्यादा से ज्यादा हम सत्य बोलें। चारों धामों की हम लोग जरूर यात्रा करें, पर ये कभी न भूलें, क्योंकि यात्रा में, यात्रा तो हम लोगों का सफल तभी है जब ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलें। हम लोग रोज गंगा स्नान करें, बहुत देर तक पूजा करें, बहुत दान भी करें, दक्षिणा दे, पर रोज हम बिना मतलब झूठ बोले अच्छी बात नहीं है। बोलो जय श्री राम। असत्य से बढ़कर कोई पातक नहीं है।